मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। अकोला में हमारे प्रैक्टिस है केड़कर हॉस्पिटल महाराष्ट्र अकोला में, और यहाँ हम अलग अलग मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं। रिश्तेदारों के समेत हम लोगों को रखते हैं, रिश्तेदारों के अलावा लोगों को रखते हैं। व्यसन मुक्त भारत करना, व्यसन मुक्त इंडिया, और हर एक को मानसिक स्वास्थ्य ही हमारा लक्ष्य है। ये मिशन में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं मेंटल हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक विचार। होता क्या है कि काफी सारे लोग हमने देखे हुए हैं कि जो लोग कुछ दिन तक, मतलब ऐसा हमको लगता है कि भाई ये बहुत बीमार है, काफी सारी बीमारी है और कम मर जाएगा मालूम नहीं, मगर होता क्या है कि वो उसकी बीमारी चलती रहती है और वो कहीं तो भी अटके रहता है। कुछ तो भी उसको चाहिए, उसके सामने कुछ तो भी रहता है कि भाई वो पूरा हो गया तो मैं बाद में मर जाऊंगा तो अच्छा है। जैसा कि काफी सारे बूढ़े लोगों के यहाँ वो रुकते हैं, मतलब मरते नहीं है वो, इसलिए कि उनके घर में पोते की शादी हो जाए तो अपना कल्याण हो जाएगा, तो पोते की शादी होने तक वो रुकते, शादी जैसी हो गई वैसा वो उनका खत्म, उनका देहांत हो जाता है। या ऐसा कुछ तो भी रहता है कि उनको बच्चा हो गया, एक बार पोता हो गया, फिर अभी जो बूढ़ा व्यक्ति है घर में वो मर जाता है। होता क्या है कि जब आपके सामने कुछ तो भी भय रहता है कि भाई क्यों, मैं तो मुझे जिंदा क्यों रहना है। अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बाकी लोगों को देखो कि आपके सामने कौन सा भय है कि भाई मैंने जिंदा क्यों रहना है, मेरे सामने गोल्स कौन से है, क्यों ऐसा, मैं क्या करूं कि जिसके लिए मैं जी रहा हूं, मेरा जीने का मकसद क्या है, मेरा जीने का उद्देश्य क्या है। हम बच्चों को बोलते कि पढ़ाई कर, पढ़ाई क्यों करना है भाई, मार्क्स अच्छा ला भाई क्यों मार्क्स अच्छा लाने का है। इधर वो बोलते हैं सवेरे जल्दी उठना, भी सवेरे जल्दी क्यों उठने का है, हम तो रोज संकल्प करते है ना सोने के समय कि नहीं हम कल सवेरे जल्दी उठेंगे, मगर सवेरे जल्दी क्यों उठना है, जब वहां जब तक क्लियर नहीं है तब तक आदमी सवेरे जल्दी उठता नहीं है या पढ़ाई करता नहीं है। तो हमारे इसमें देखना पड़ेगा कि भाई हमको हमारे जिंदगी में गोल्स क्या है, वाय क्या है, और वो जो है वो यदि क्लियर है तो काफी सारी मतलब जो प्रॉब्लम वो निकल जाएंगी, क्योंकि हमको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारा पैशन है, दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो हमारा पैशन है वो पैशन के ऊपर हम काम करते हैं और हमारा भाई भी क्लियर है। पैशन मतलब जो भी काम करना है उसमें जी जान से काम करना, पूरा जी डाल के काम करना और उसमें मजा भी आना। मतलब पैशनेट, जब हम बोलते हैं कि मैं पैशनेट हूँ, उसका मतलब ये होता है कि मैं कोई भी काम मैं कर सकता हूँ जिसमें मुझे थकान भी नहीं आएगी, मुझे भूख प्यास लगेगी नहीं, 12-12 घंटे में काम कर रहा हूँ और मुझे उसका कुछ ऐसा लगने रहा कि मैं काम किया करके, इसका मतलब मैं उसको मिले और मुझे उसमें कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा भी कोई काम है कि जिसमें नंबर एक मुझे पैसा मिलता नहीं है, मुझे कोई शाबाशी मिलने वाली नहीं है, मुझे कुछ एप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, और तभी भी मैं भूख प्यास भूल के वो काम कर रहा हूँ और 12-12 घंटे बिना थकान का काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसमें पैशनेट हूँ। तो यदि पैशनेट है तो हमको कुछ काम करो ऐसा बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा वाले मुझे बताना है कि भाई ये जो लोग देते हैं ना कि भाई हर जो भी कोई बात होती है उसको हम मीनिंग देते रहते हैं, कुछ ना कुछ अर्थ लगाते रहते हैं, कुछ तो भी हमारे दिमाग में ऐसी बातचीत हम अपने आप से करते हैं और उसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मैं मेरे बाइक के ऊपर हूँ या मैं कार में जा रहा हूँ और बाजू से दूसरी ओर एक कार बहुत झपाटे से बहुत स्पीड से आगे निकल जाती है। अब मेरे दिमाग में आता है कि इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरा इंसल्ट कर रहा, मेरा अपमान कर रहा है ये, या उसको जरा ज्यादा बताने का है, खुद का बड़ापन बताने का है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में आता है और फिर मैं भी मेरी स्पीड जो है वो बढ़ाता हूँ और तेज कर लेता हूँ या फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ, या कोई मुझे ओवरटेक कर रहा है और बता रहा है आपको कार चलाने आती नहीं क्या, किसने सिखाया आपको कार चलाना, ऐसे किसने कुछ कमेंट पास कर दिया, तो मुझे मेरा दिमाग भड़क जाता है क्योंकि मैं कुछ तो भी उसको मीनिंग देते रहता हूँ। अभी जीवन में हम जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए समझो हम पॉजिटिव मीनिंग देते हैं कि भाई कार जा रहा है झपाटे से एकदम स्पीड से मुझे ओवरटेक करके जा रहा है, तो भाई क्यों जा रहा है, उसको कोई काम होगा, उसके कार में कोई बैठा होगा जिसको कोई इमरजेंसी होगी, उसको कोई जल्दी काम करना होगा, कोई किसकी जान बचानी होगी, कोई दवा लाना होगा, इसलिए वो जा रहा है, तो मेरा दिमाग खराब नहीं होगा, मैं शांति मतलब मैं अपसेट नहीं होगा, मेरे दिमाग में शांति रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई मैं कौन सा क्या उसको अर्थ लगा रहा हूँ जो भी घटना है हो रही है। देखो एक ऐसी घटना है, एक ही फ्लैट सिस्टम है, तो फ्लैट नंबर 4 जो है चौथे माले के ऊपर, उसमें उनके लड़के को 35% मार्क मिल गए तो उनके घर में बहुत जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि पप्पू पास हो गए।
दूसरे घर में ऊपर और एक ऊपर का फ्लैट है जिसमें लड़के को 90% मार्क मिले करके बहुत मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि भाई 90 क्यों मिले, क्योंकि 90 मिले तो भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे। देखो सिचुएशन एक ही है, यहाँ 35 मिले तो वो जश्न मना रहे हैं, वहां 90% मिलने के बाद में भी वो उदास है। हम उसको मीनिंग क्या देते हैं, हमारे दिमाग में कॉन्वर्जेशन क्या चालू है, उसके ऊपर हमारा लाइफ कैसा जाएगा वो डिपेंड रहता है। कोई हम गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी खराब हो गई, समझो मैं जा रहा हूँ कहीं और गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी खराब हो गई तो फिर मैं डिस्टर्ब भी हो सकता हूँ कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं वहां जा नहीं सकता, मैं वहां पहुंच नहीं सकता, एक वो भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी खराब हो गई, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं अच्छी एक मतलब यूट्यूब से कोई कोई वीडियो निकाल सकता हूँ, वो सुन सकता हूँ जब तक मैकेनिक आएगा गाड़ी दुरुस्त करेगा, या मेरे पास में कोई किताब होगी तो वो किताब या कोई कैसेट सीडी में निकाल सकता हूँ वो सुन सकता हूँ, और मेरा मैं टाइम अच्छा बिता सकता हूँ, ना कि गाड़ी खराब हो गई करके मैंने अपसेट होना। अब कांच का ग्लास घर में टूट गया फॉर एग्जाम्पल, अब कांच का ग्लास घर में टूट गया तो अपसेट भी हो सकता है, कांच का ग्लास टूट गया, इतना बड़ा अच्छा ग्लास था, बहुत प्यारा था, बहुत महंगा था, कांच का ग्लास टूट गया करके अपसेट भी हो सकता हूँ, या फिर ग्लास ग्लास टूट गया तो ठीक है कोई बात नहीं है, किसको लगी है क्या, किसको कुछ किसके हाथ में कांच घुस गया है क्या, कोई किसका पाँव ना पड़ जाए उसके ऊपर और तकलीफ ना हो जाए, इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। एक तो मैं हरदम ऐसा बोलता हूँ कि हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए, कि घर में कुछ भी हो गया, कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी गिर जाता है, कुछ भी टूट जाता है, तो हम इसे प्रैक्टिस करते हैं, हम आदत करते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी हो गया तभी हम ऐसा बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हो गया तो हो गया। तो फिर लोगों को डिस्टर्ब घर में डिस्टर्ब नहीं होंगे, घर में लोग अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि समझो ग्लास टूट गया या चाय पीते पीते कोई चाय नीचे गिर गया, कपड़े खराब हो गए, जो भी कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जिसने गिरा दिया उसको तो बहुत दुख लगता है, उसको अच्छा लगता नहीं, और ऊपर से लोग ताना मारते रहते हैं कि तूने ऐसा कैसा किया, तो और वो डिस्टर्ब और डिप्रेस हो जाता है, इसमें कौन सी बात है, जो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं कि करते हैं तो एक अच्छे रिलेशनशिप सबकी हो जाएंगी, अपना दिमाग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा बार 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 बार, हमको एंजाइटी टेंशन इससे छुटकारा मिलेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जैसा भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ये हम बोलते हैं कि जो भी हो रहा है वो बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से हम जीते हैं तो हमारा जीवन जो है ना वो बहुत पीसफुल शांतिपूर्ण रहेगा, समाधान आनंद खुशी रहेगी, तो ऐसा जीवन जियेंगे तो मानसिक बीमारी भी बहुत कम हो जाएंगी, लोग मेंटली हेल्दी रहेंगे और हमारे पास में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या हम बोलते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ अच्छी रहेंगी तो लोगों को हमारे पास में जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को बीमारियां कम हो जाएंगी, तो मेंटल हेल्थ अच्छी रखना ये अपना काम है। जैसा हम शारीरिक स्वास्थ्य हमारा रखने के लिए हम शारीरिक स्नान करते हैं, रोज साफ सफाई करते हैं, वैसा मानसिक स्वास्थ्य जो है ना उसके लिए मानसिक स्नान करना बहुत जरूरी है, उसमें फिर वीडियो देखो, किताबें पढ़ो, कोई इंस्पिरेशनल टॉक्स सुनो, जो भी कुछ करना है वो, तो इससे मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप के होंगे फेसबुक के होंगे उसको जरूर शेयर करो, लिंक शेयर करो और जरूर लाइक करो। हमारा हॉस्पिटल जो है उसमें आपके परिवार के पास में इधर उधर पहचान के लोग होंगे, यहाँ रिश्तेदारों के समेत लोगों को रखते हैं, मानसिक बीमारियों को मतलब बीमारी उनको है और रिश्तेदारों के अलावा भी रखते हैं, हमारे यहाँ सब तरह की मानसिक बीमारी का इलाज हो जाता है। ये जरूर वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और एडिक्शन फ्री इंडिया जो हमारा सपना है वो पूरा करने में आपका हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।